इसके लिए तो अभी अभी ले क्या ले तो था इसका नाम मम्मी 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 ये देखो सिम करो दीते मो पासिम का ये मेंगो आंगोना में आंगोना में एक और हाथ लगा है गाइस ये देखिए हालांकि इतना खास बड़ा तो नहीं है फिर भी मिला है तो मिला है कुछ तो मिला है भाई वाओ ताजा ताजा माल ताजा ताजा एकदम ऑर्गेनिक वाओ गलती होता है ना गलती से तो सिकलते हैं क्या बात कर रहे हैं लेकिन ज्यादा ही गलती होगी अभी करते हैं अभी अभी ठीक करेगा देखो तो चलिए गाइस एक और नई वीडियो के साथ आज मैं और मेरा ताराम एंड मेरा मामा मछली पकड़ने के लिए आए सिगे नदी में जो कि काफ़ी फ्रेश नदी था लेकिन अभी काफ़ी बारिश होने के कारण से पानी बहुत गंदा हो गया है फिर भी गंदा होने से बाहर में मछली ज़्यादातर आता है तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं मछली मारने के लिए देखते हैं हम लोग को मिलते हैं कि नहीं मामा आपको क्या लगता है हम लोग को मिलेगा मिलेगा हाँ मिलेगा जरूर मिलेगा ज़रूर मिलेगा ना तो आज हम लोग सिगे नदी का ये देखिए काफ़ी सुंदर है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है ये एरिया को इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और सिगे नदी का छोटा छोटा नदी भी यहाँ से बहता है फिर ये जो सिगे नदी में उसमें चिबूत करता है बढ़िया से काफ़ी सुंदर है काफ़ी बढ़िया जगह है ये आप लोग देख सकते हैं पानी बहुत ही गंदा है आज ये देखिए पूरा बाहर तक निकल गया है पानी जो आज इतना गंदा है काफ़ी बारिश होने के कारण से पानी इतना भर गया है तो देखिए आज हम लोग का शुरुआत यहाँ से करते हैं छोटा छोटा हालांकि पानी बहुत गंदा है गंदा होने से भी हम लोग ये छोटा छोटा से शुरू करेगा ये देखो मामा जी इसको आराम से निकलो हाँ ये देखिए गाइस तो अभी हम लोग यहाँ से बड़ा नदी में जाएगा बड़ा नदी में वो जो चिबूत करते पानी फिर बड़ा नदी से हम लोग मछली को पकड़ेगा बड़ा नदी से जाल फेंक के देखिएगा काफ़ी बड़ा हो गया पानी जो बारिश के कारण से पूरा ऊपर तक उठ गया देखते हैं हम लोग को मिलते हैं कि नहीं मामा जी इसको पार करना पड़ेगा नदी को ना पार करना ये ना चलो तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी नदी में पहुंच गए हैं और इसको पार करना पड़ेगा ये काफ़ी बड़ा हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बारिश के कारण से पानी जो ऊपर तक उठ गया है पार कर सकेगा नहीं कर सकेगा अभी इसको पार करना पड़ेगा बहुत बड़ा मिल गया है और हम दोनों बाहर से देख के बैठे आगे दिखा दो आगे दिखा दो इतना बड़ा लो आपको देखे आगे आराम बढ़िया यस यस बहुत ही बड़ा मिल गया है जब वो बाहर में आएगा गाइस में आप लोग को दिखा देगा काफ़ी बहुत ही बड़ा है तो अभी वहाँ पे ताराम जो बहुत बड़ा मिल गया है इसलिए ये नदी को पार करके जाना पड़ेगा इसका खुशी में देखने के लिए जा रहा है देखने के लिए आके दे बढ़िया वाओ इसलिए वाओ बहुत ही बढ़िया एकदम लल्लन तो ऐसे ऐसे पकड़ो ना ऐसे वाओ अभी जिंदा है मोली ना वाह तो ओंगोई 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 तो ये देखिए गाइस इसको बोलते हैं मोली इतना बड़ा है देख इसके लिए तो अभी अभी ले क्या ले तो हाँ इसका नाम मम्मी 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 ये देखो वाह इतना बड़ा था हाँ तो गाइस सब लोग के लिए गाना गा देगा जो कि हम लोग का एक आदि गाना है ये आज हम दुनिया में बाहर में बैठ के बढ़िया से गाना गा देगा थोड़ा सा मछली मिलने का खुशी से और ताराम जो नीचे में मार रहा है ये नदी को पार करके काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसलिए इसके लिए अब के लिए गाना गा देगा
पासिम करो दीते मो पासिम का ये मैंगो आंगोना में गाइस ये गाना जो हम लोग का आदि सॉन्ग है और ये जो गाना जो नदी और ये पहाड़ जितना दिखाई दे रही है ये सबको रिप्रेजेंट करके गाना को गाया है, काफ़ी मीनिंगफुल है। इतना तक फूल हम भी गाने नहीं सकते फिर भी। मामा कैसा लग रहा है मेरा गाना? बहुत बढ़िया है ना। एक और हाथ लगा है गाइस, ये देखिए। हालांकि इतना काश भरा तो नहीं है, फिर भी मिला है तो मिला है, कुछ तो मिला है भाई। ये देखिए खुली तो वाओ, ताजा ताजा माल, ताजा ताजा एकदम ऑर्गेनिक। वाओ फिर से मरने के लिए जा रहे हैं। इंटरेस्ट होता है ये सब फिशिंग और हंटिंग में। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे तारा जो मार रहा है और पानी जो बहुत ही गंदा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बारिश हुई है ऊपर में। बारिश होने के कारण से पानी गंदा हो गया है, बहुत ही भरा हो गया है, पूरा ऊपर तक उठ गया। अभी यहाँ से उस पर जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर तरफ जाएगा एंड आज रात हम लोग यहाँ में बैठेगा वो ऊपर में, फिर रात को भी मर के दिखेगा। तारा का कहना है कि जब रात होता है तो मछली ज़्यादातर निकल आता है, ऐसे दिन में वो लोग इंसान को दिखाई देता है तो इसलिए बाहर में नहीं आता, लेकिन जब भी रात होता है तो निकलता है। तो हम भी अभी यहाँ से मर के दिखेगा, हालांकि मुझे तो मरने नहीं आता फिर भी मर के दिखेगा, जब तक गलती नहीं हुआ तब तक सीखेगा कैसे। तो अभी हम भी यहाँ से मर के दिखेगा। गलती होता है ना, गलती से तो सुधरता है आपके, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा ही गलती होगी अभी कटर। हो रहा है, हो रहा है, अभी का मिला होगा। अरे भाई मछली होने से मिलेगा ना, मछली नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा, मिलेगा मछली नहीं होने के कारण से नहीं मिलेगा। बार पैक अभी का नहीं मिलने से हम जाल को फेंक देगा, बार पैक है ना एकदम मिला होगा, मिला। ओ भाई मछली नहीं है तो क्यों मिलेगा, चलो चलो। तो गाइस आज हम लोग यहाँ में थोड़ा रेस कर रहे हैं, लंच के लिए खाना वाना बना रहे हैं यहाँ पे और डिनर का, डिनर के लिए फिर और हम लोग मिलेगा नीचे से और फिर मिलते रहेगा, क्योंकि आज जितना मिला है उसको हम लोग लंच के लिए बना रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। और मेरा तारा ये है जो कि अभी सब्जी को बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं यहाँ पे लंच के लिए और खाना तो अभी रेडी है। इन मामा कैसे लगा है आज का, कैसा लगा है भाई ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। फिर यहाँ में हम लोग थोड़ा सा बैठ के अभी लंच के लिए बना रहे हैं, फिर
शाम तरफ को नीचे जाके और ऊपर तरफ पे भी मारेगा, फिर इसके बाद डिनर के लिए और मैनेज कर लेगा। आज जितना मिले उसको अभी आने लास्ट के लिए खा रहा है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा, और बैठे बैठे में आप लोग को दिखा देगा एक और चीज़ फिर से दोबारा उसको, जो कि आप लोग आज मिला है बहुत ही बड़ा। रुकिए ये देखिए, ये है आज का सबसे बड़ा। मुझे उम्मीद है और शाम तरफ को भी हम लोग उधर में जाके फिर मिलेगा, इससे भी बड़ा मिलेगा होगा शायद, अगर किस्मत रहा तो मिलेगा इससे भी बड़ा। ये देखिए उसको मोपी का नाम से जानते हैं, मोपी। एकदम ये ऑर्गेनिक होता है गाइस, देखो इसमें कुछ आर्टिफिशियल के लिए कुछ सामान देता है या फिर ऐसा होता है जो नेचर में उसमें नदी में बहता है उसको खा के ये सब बढ़िया से दिखता है, तो इसलिए ये बहुत ही काफ़ी ऑर्गेनिक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। जब भी मछली मिलता है तो बहुत ही खुशी होता है, ये जो दिल है गुनगुनाता है खुद से, तो इसलिए गाना भी ऐसा कभी कभी निकल आता है आप लोग के लिए, मैं गाना गा देता हूँ। ये देखो, ए मेरे हम सफर, ये देखिए इससे भी बड़ा मिलना चाहिए शाम तरफ को, क्योंकि आज रात हम लोग यहाँ पे बैठ लेगा। ताराम जो बता रहा था कि शाम तरफ में और ज़्यादा मछली निकल आता है, तो इसलिए शाम में बैठने से और भी मिलेगा होगा। फिर सुबह होते ही हम लोग यहाँ से और फिर नदी में आएगा, मार्केट देगा, फिर अगर नहीं मिलता है बोलने से यहाँ से निकल जाएगा। ओ मामा जी, आप क्या कर रहे हैं? ब्रेक के लिए लहसुन पीस रहे हैं। लहसुन ना, ये देखो गाइस, लहसुन और मिर्चा, और ये है हम लोग का किंग चिल्ली, और उसका साथ में लहसुन को पीस रहे हैं। और ये रहा हम लोग का आज का छोटा छोटा लंच ब्रेक के लिए बना रहा है। ये रहा ताराम जी, आज का हम लोग का हीरो, थैंक यू सो मच। वाह, ताराम का कारण से ही हम लोग आज ये कर पा रहा है, और शाम को भी मुझे उम्मीद है ताराम जो बहुत बड़ा मिलेगा होगा। ताराम एक बार तू देख ले इधर, ए हैंडसम बॉय, थैंक यू। वाह, अभी लंच होने के बाद अभी हम लोग यहाँ से जल्दी से कैंप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बारिश भी होने वाला है, ये जो वेदर जो काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इमरजेंसी में कैंप ढूंढना पड़ेगा। यहाँ में पानी केती होता है, पानी केती का पाइप में उसको हम लोग उसका घर को पाइप कहा जाता है हम लोग का लोकल में, तो हम लोग पाइप में आज रात बैठेगा। सबसे पहले जितना भी सामान है ये सब बैग से जितना भी एसेंशियल सामान है सबको पाइप में रख के, फिर वहाँ से कैंप से नदी में फिर वापस आएगा, क्योंकि शाम तरफ को भी हम लोग को मारना है। आज जितना भी सामान है इसको कैंप में रखने के लिए जा रहा है। एंड गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, मेरा पीछे देखिए इतना नज़ारा सुंदर है। वाह, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहा है, देखिए काफ़ी सुंदर है, बहुत ही बढ़िया जगह। अगर आप भी पासीघाट आता है तो ये पासीघाट से इतना दूर नहीं है, यहाँ में पिकनिक आने के लिए आ सकते, काफ़ी सुंदर जगह है। देखिए जो एक जैसा है, दिल्ली ही है, और दूसरा साइड में पहाड़ है, और ये भी जो प्लेन है पूरा एकदम बढ़िया प्लेन है, यहाँ पे आप काफ़ी एंजॉय कर भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये सब पत्थर को हम लोग फुटबॉल फुटबॉल खेलते हैं। तारा जो बोल रहा है पत्थर को फुटबॉल खेलता है। वाओ, इतना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जगह है गाइस। और यहाँ से मेरे को तो रास्ता पता नहीं, मगर ये जो आगे चल रहा है ताराम जी, इसको पता है रास्ता कहाँ से जाना है और कब कहाँ पहुँचना है। ये है हमारा की क्या जानेगा यार। क्या जानू, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या जानू अब तो। साइना बोर्ड और गाइस ये जो बुक है ताराम जो, ये इसको हम लोग लोकली ताले का नाम से जाना जाता है, ताले बोलता है। तू जो ना जीरो के सामने कर होगा नहीं, तुझको देख के बिन मैं यूं मरना कहीं। कपा हाला मैंने यहाँ से किसे पार नहीं कर सकेगा, ये जो बोल रहे ये पहाड़ है, यहाँ से उतना पड़ेगा हम लोग को।
कैंप में जाने के लिए, पानी खेती में जाने के लिए क्योंकि आज रात हम लोग को पाइप भी बेचना पड़ेगा। हाँ तो चलिए जाते हैं। तो फाइनली हम लोग का कैंप में पहुंच गए, हम लोग कैंप को मिल गए हैं। उसमें एक कारी था, उसको पूरा उठ के ये जो अभी कैंप है यहाँ पे पहुंच गए। अभी हम लोग जितना भी सामान है यहाँ पे रख के फिर नदी वापस जाएगा। आज हम लोग को जितना भी एसेंशियल कुछ सामान होता है हम लोग को बेचने के लिए, आसाद को बेचने के लिए, तो वो सब कुछ इसको जितना भी सामान है उसको मैनेज करके यहाँ पे रख के फिर उधर वापस जाना है मछली मारने के लिए। काफ़ी गर्म भी हो गया है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पानी खेती है, और पानी खेती का वो जो घर बना के रखता है उसको हम लोग लोकली पोइप का नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आज का हम लोग का कैंप जो कि पानी खेती का घर है और उसको पोइप का नाम से जाना जाता है। ये देखिए हवा बहुत लकड़ी है था ऐसे कहाँ गए थे उधर। कभी कभी गए सब लोग को भी ऐसे से इसमें एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि इसमें ना एसी का ज़रूरत है ना फैन ना कुछ, ये जो एक कम्प्लीटली एक रेडीमेड एसी रूम है। चलो मामा, ये है एक एसी। मामा जी कितना सामान है सबको रख लिया ना। ओके ये देखिए गाइस नज़ारा सुंदर है यहाँ से। अभी कैंप में पहुंच गए हैं गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का कैंप जो काफ़ी सुंदर है। अभी जितना भी बैग है सबको यहाँ पे रखेगा। ये देखो ये है पचकिंग, इसमें हैंग करके रखेगा हम लोग का जितना भी बैग सामान है इसमें हैंग करके रखेगा। आई दूंगी देखो तब बुरागा तब सर कहे। और ये है आज का हम लोग का बॉस जो कि जारू मार रहा है ताराम जी। वाह बढ़िया जारू मारो, बढ़िया से जारू मारो, बहुत ही अच्छा है। और अभी यहाँ से पानी बुकने जा रहा है और मेरा मामा जो वो बोतल में पानी बुक के चला गया है। ये देखिए एदम यहाँ में पानी बुकेगा आप, यहाँ का पानी जो काफ़ी फ्रेश होता है स्ट्रीम वाटर है। गाइस ये जो पानी इतना फ्रेश है यहाँ में कोई प्यूरीफाई मशीन का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एक्वा होता है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ पीछा रो के वहाँ से ज़मीन से आता है, ये जो काफ़ी फ्रेश है पानी, ये स्ट्रीम वाटर है जो कि डायरेक्ट ये वो जो ऊपर से दिख रहा है वहाँ से डायरेक्ट आता है, इसमें बहुत ही फ्रेश है। उससे खुद से ये जो फिल्टरेशन करता है पानी जो मिट्टी से, और काफ़ी ठंडा है, बहुत ही बढ़िया है, फ्रिज का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कितना भी दुख देने से भी ये जो पानी काफ़ी ठंडा होके बैठता है बहुत ही बढ़िया है। और इसमें काम करके जितना भी यहाँ में पानी खरीदा है वो सब काम करके आते हैं। ये देखो यहाँ में पानी भरा लिया है, इसको अभी उधर कोई भी ले जाएगा। तो ये देखिए गाइस आज ये कैंप का समझे में हम लोग को ये ग्रीन टोमेटो मिला है, देखो मछली के साथ पकाएगा। ये देखो अभी ये देखो ग्रीन टमेटो काफ़ी बढ़िया है, मछली के साथ इसको पकाने से और टेस्टी होगा। ये देखो आज हम लोग फिर कैंप से जा रहे हैं नदी की ओर, शाम हो गया है क्योंकि शाम तरफ को ज़्यादातर मछली मिलते हैं बोले ताराम जो, देखते हैं मिलता है कि नहीं। कैंप से अभी हम लोग निकल रहे हैं। मामा श्री अगर चलो नोकला समझे तो नया। ओके ये देखिए कैंप से नदी बहुत ही सामने है, ये जस्ट नीचे में है।
शाम का नजारा है, काफी सुंदर है। सीना ओक आदि दोलू सोलो कदू दीते मोपा सो यू बिदू सियाने आसी करो जोजो जोजो सिंगो गदी दोलू कंपोरुन आदि दोलू। ये हम लोग का लोकल गाना है जो कि रिप्रेजेंट करता है हम लोग का आदि जितना भी विलेजेस है वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जितना भी माउंटेन नदी सुंदर सुंदर नदी पहाड़ वादियाँ जितना सबको है वो सबको अप्रिशिएट करके गाना को लिखा है। ये शाम का नज़ारा है, काफ़ी सुंदर है। ओहो गाइस देखिए ऊपर से पूरा बारिश आ रहा है, अभी तक गया काम से, पूरा बारिश आ रहा है ऊपर से, इतना बारिश आ रहा है। ओहो शाम का बुलेट पूरा मिस होते रह रहे हैं, कोई बात नहीं आज नहीं मिला था कभी दिन मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना तो मिला ही है, बहुत अच्छा लगा है। बस जब तक आराम है तब तक थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा होगा। ओहो गाइस बहुत ही बारिश हो रहा है इसलिए मुझे पत्थर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पत्थर के नीचे में मुझे बैठना है, काफ़ी बारिश आ रहा है देखिए, काफ़ी डैमेज कर दिए साले बारिश, इतना डैमेज कर दिया मेरे को साला, तेरा क्या जाता है अगर बारिश नहीं करने से थोड़ा सा मछली मिलने देना था, ये जो बेचारा मछली खाने में होता है, लेकिन ये बारिश इतना गिरेगा तो कहाँ होगा भाई, इतना बारिश गिरने से कहाँ होगा भाई, बारिश रुक जाओ मुझे थोड़ा सा मछली लेने दो क्योंकि शाम होते ही मुझे कैंप पे वापस जाना है पोईप में। अरे यार रुक जा बारिश रुक जा, तेरा क्या जाता है मेरे को अगर मछली मिलने से, पूरी गुच्छा आते सारा। शाम का समय था, वापस जा रहे हैं मायूस होके क्योंकि मिला ही नहीं, ये जो बारिश का कारण से नहीं मिला है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, कल सुबह फिर ट्राई करेगा साला, ये जो बारिश के कारण से ही नहीं मिला है हार नहीं मानेंगे हम तो, फिर भी कल सुबह फिर ट्राई करेगा साले को। तो जैसे कि गैस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बारिश होने के कारण से शाम तरफ का भी हम लोग को अच्छा नहीं मिला है, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ में बैठे का सोच रहा था, लेकिन काफ़ी बारिश होने के कारण से ये कोई भी पुराना हो गया है, तो इसलिए आज रात हम लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकेगा। तो आज हम लोग पार्टी ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो जाएगा यहाँ से आज नहीं बैठ सकेगा क्योंकि समान उमान भी ठीक नहीं है, तो इसलिए आज हम लोग डिसाइड किया कि यहाँ से जाएगा। हम लोग यहाँ में इंजॉय करने का सोच रहा था लेकिन काफ़ी बारिश होने के कारण से नहीं बैठ सकेगा, इसलिए आज हम लोग डिसाइड किया है जाएगा। तो गाइस इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग खत्म होता है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देने, तब तक के लिए अच्छे से भेजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू गाइस आर ऑसम जी।